आंध्र प्रदेश के रहने वाले 29 साल के संगीत कुमार ने एक सनसनी भरा खुलासा कर हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस शख्स ने दावा किया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी मां है। इतना ही नहीं, इस आदमी ने यहां तक कह डाला है कि ऐश्वर्या राय ने IVF के जरिए लंदन में साल 1988 में जम मुंबई। आंध्र प्रदेश के रहने वाले 29 साल के संगीत कुमार ने एक सनसनी भरा खुलासा कर हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस शख्स ने दावा किया है कि ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी मां है। इतना ही नहीं, इस आदमी ने यहां तक कह डाला है कि ऐश्वर्या राय ने IVF के जरिए लंदन में साल 1988 में जन्म दिया था। यह भी रोचक बात है कि उस समय ऐश्वर्या राय बच्चन की आयु केवल 14 साल थी। डेक्कन क्रॉनिकल में छपी खबर की माने तो संगीत ने आगे कहा है कि उनका पालन पोषण विशाखापट्टनम के जिले चोड़ग्रम में हुई है। उसने इस अखबार के माध्यम से कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। संगीत के अनुसार ऐश्वर्या राय अपने पति अभिषेक बच्चन से अलग हो चुकी हैं। वह इस समय अकेले रह रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह अपने बेटे के साथ मैंगलोर में रहे। मुझे उनसे अलग हुए 27 साल हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बिना रहूं। आगे इस आदमी ने कहा है कि उन्होंने आज तक ऐश्वर्या राय बच्चन से बात तक नहीं की है। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे सही जानकारी नहीं दी है, लेकिन मैं अब सब कुछ पता कर चुका हूं। इसलिए उनके साथ रहना चाहता हूं। अब देखना रोचक होगा कि इस पूरे प्रकरण बच्चन परिवार से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि इस खुलासे के बाद पूरा बॉलीवुड हैरानी में पड़ गया है। दिया था। यह भी रोचक बात है कि उस समय ऐश्वर्या राय बच्चन की आयु केवल 14 साल थी। डेक्कन क्रॉनिकल में छपी खबर की माने तो संगीत ने आगे कहा है कि उनका पालन पोषण विशाखापट्टनम के जिले चोड़ग्रम में हुई है। उसने इस अखबार के माध्यम से कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। संगीत के अनुसार ऐश्वर्या राय अपने पति अभिषेक बच्चन से अलग हो चुकी हैं। वह इस समय अकेले रह रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह अपने बेटे के साथ मैंगलोर में रहे। मुझे उनसे अलग हुए 27 साल हो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बिना रहूं। आगे इस आदमी ने कहा है कि उन्होंने आज तक ऐश्वर्या राय बच्चन से बात तक नहीं की है। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे सही जानकारी नहीं दी है, लेकिन मैं अब सब कुछ पता कर चुका हूं। इसलिए उनके साथ रहना चाहता हूं। अब देखना रोचक होगा कि इस पूरे प्रकरण बच्चन परिवार से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि इस खुलासे के बाद पूरा बॉलीवुड हैरानी में पड़ गया है।